आपसे मिलते हैं टेस्ट के बाद या हो सकता है टेस्ट के बीच में। कैसे तो काट रहा है ये, चलो इन्हें काटने देते हैं। पॉलिथीन यार, पॉलिथीन क्या समझ रहे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9th मार्च एंड अपन जरा आज ब्लॉग सीधा कॉलेज से शुरू कर रहे हैं। साक्षी मिल गई है मैं कॉलेज में। हेलो साक्षी, से हाय टू माई व्यूअर्स। हाय। सो अपन जरा अभी जा रहे हैं टेस्ट देने, आपसे मिलते हैं टेस्ट के बाद या हो सकता है टेस्ट के बीच में। देखिएगा आगे। सो गाइज, अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, अभी हाफ टाइम हुआ और बच्चे जा रहे हैं, अभी मैं भी जाऊँगा थोड़ी देर बाद, अभी एग्जाम करते हैं। सो गाइज, डन विद द एग्जाम एंड अपने कलेश भाई से पूछते हैं पेपर कैसा था। कलेश भाई, एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा। बहुत हार्ड? बहुत अच्छा। चलो बढ़िया। कितने नंबर का करके आया तुम? पूरा। ये तो तुमसे उम्मीद ही थी। चलो करो। अभी अपने प्रशांत भाई वहाँ बैठे हुए और संदीप भाई वहाँ पीछे कोपचे में बैठे हुए हैं। यार कितना टाइम लेंगे लोग? तो गाइज, अपना एग्जाम ओवर हो चुका है और अपने संदीप भाई भी मिल चुके हैं हमें। अभी जरा ताज भाई को ढूंढते कहाँ है, और अमन भाई आज चले जाएंगे ना। सो गाइज, अभी अमन भाई को भी पकड़ते हैं, उनका बिल्डिंग यही वाली बिल्डिंग है एक्चुअली, यहीं से निकलेंगे वो, उनका वेट करते हैं एंड फिर चलते हैं रूम पे। भाई मिल चुके हैं और अभी अपन ने ऑर्डर की है एक चिली पटेटो, बस चिली पटेटो। चिली पटेटो आने का वेट करते हैं फिर चलते हैं आगे। अपने चिली पटेटो भी आ गए, मतलब आ तो काफ़ी पहले गए थे, खाना भी शुरू कर दिया है बट इनसे अब खाया नहीं जा रहा है। मैं तो खाऊंगा नहीं यार, क्योंकि मेरे को खांसी है। अमन भाई को खिलाते हैं। अमन भाई खा लो यार। सो गाइज, नाउ फाइनली गोइंग बैक टू द रूम। अमन भाई जरा अपने दोस्तों के साथ बिजी है तो वो नहीं आ रहे, वो बाद में आएंगे, तो अपन अभी चलते हैं रूम पे। सो गाइज, अपन यहाँ पे रुके हुए हैं जरा गन्ने का जूस पीने, और लेकिन ताज भाई नहीं पी रहे हमारे, क्योंकि ताज भाई मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? ताज भाई को मना एक्चुअली। तो अभी भाई बेहतरीन निकाल देंगे जूस। गाइस जरा अभी कुछ देर आराम करते, क्योंकि रात को भी मैं काफी लेट सोया था, उसके बाद लंच करेंगे। लंच में अभी एक्चुअली भूख नहीं लग रही, करने का चूस किया था मैंने, तो अभी आराम करते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे। अपन अभी लंच कर रहे हैं, ये है दाल चावल, आलू बैगन मैंने खा लिया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। ताज भाई भी खा रहे हैं। ताज भाई चावल कभी के लिए? अच्छा अच्छा, चलो अभी खाना खाते हैं। अर्चित भाई ने भी खाया, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस जरा अपन अभी आए यहाँ पे हार्डवेयर शॉप पे, क्योंकि अपनी ना किचन की जो टैप थी वो खराब हो गई है, तो अभी उसे सही कराना है। बिल्कुल खराब हो गई, मतलब पानी निकले ही निकले जा रहा है, ऐसा फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे पूछते कोई प्लम्बर मिल जाएगा क्या? सो गाइस, फाइनली प्लम्बर तो मिल चुका है, लेकिन अभी वो कहीं बिजी है, तो वो भी आएंगे थोड़ी देर में। देखते हैं क्या करते हैं, कितने पैसे लेते हैं। अपन को कोई टेंशन नहीं है, पैसे तो हम किराए में से काट लेंगे। ये देखो बेटा, मर जाओगे पीछे हट जाओ। और ताज भाई अपनी न्यू चेयर की प्लास्टिक रिमूव कर। ताज भाई कुछ दिन तो रहने देते, नहीं लगने देते कुछ दिन। अरे कैसे तो काट रहा है ये, चलो इन्हें काटने देते हैं। पॉलिथीन यार, पॉलिथीन क्या समझ रहे हो तुम लोग? क्या समझ रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, गलत मत समझो, पॉलिथीन काट रहा है। तो गाइस, अपने एक पार्सल और आया है आज, ये अपना एक्चुअली अपना नहीं, संदीप भाई का ही है, लेकिन संदीप भाई का जो होता है वो अपना ही होता है। संदीप भाई अनबॉक्स करेंगे, इसे दिखाएंगे इसमें क्या है। बहुत ही क्लीन अनबॉक्सिंग, बहुत ही क्लीन। और ये निकला है, निकला है, निकला है, निकला है, निकला है, क्या निकला है ये? व्हाट इज दिस? ओके, स्मैश संदीप भाई का लैपटॉप बैग। ग्रेट, ब्लंडर हो गया है, संदीप भाई का लैपटॉप तो आ नहीं रहा है इसमें, क्योंकि इन्होंने स्लीव मंगा दी है बड़ी, और इसमें आ गया है मेरा लैपटॉप आ गया। देखो क्या फ़ायदा हो गया ना, नुकसान। चलो कोई नहीं, भी देखते हैं। पहले ये टैप चेंज ही करनी पड़ गई, ये ठीक हो चुकी है, पुरानी टैप ये एक्चुअली इसमें बता रहे थे इसका स्पिंडल ख़राब हो चुका है। स्पिंडल मतलब वो जहाँ पे कसा जाता है वो ख़राब हो गया, उसकी चूड़ियाँ घिस गई हैं। तो मैंने कहा भैया चेंज ही कर दो। अब जरा पीछे चलते हैं, कुछ सब्जियाँ लेके आनी है। एक्चुअली सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, मतलब सब्जियाँ, आलू भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, देख सकते हैं आप। तो ज़रा अभी पीछे चलते हैं। तो भैया ने अभी अभी शॉप खोली है जस्ट, अभी अभी हम बहुत सही टाइम पर आए हैं। अभी आधा किलो पालक और कर दो। सो गए, सब्जियाँ ले ली हैं, ये पालक भी ले लिया हमने, और आलू दिखाना अच्छा भाई, आलू, बीन्स, प्याज, लौकी सब ले लिया है। अब मैंने कहा तुम ही पकड़ो, मैं नहीं पकड़ने वाला, ये पकड़ के चलेंगे घर तक। चलो अब चलते हैं रूम पे। सो गए, ज़रा मैं अभी थंबनेल प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि थंबनेल प्रिपेयर नहीं है और आगे की वीडियोज़ भी एडिट नहीं है, तो अभी ज़रा थंबनेल प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद ज़रा वीडियोज़ भी एडिट करनी है, वीडियोज़ एडिट करेंगे। गाइस अपन जरा अभी एडिटिंग कर रहे हैं, आज बैठे हम ताज भाई के चेयर पे, इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, अभी एडिटिंग करते हैं। ये तीनों भी यहीं बैठे हुए हैं,
संदीप भाई ने गाने बजा रखे हैं, अपन एडिटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस डन विद एडिटिंग एंड मैंने वीडियो रेंडरिंग पे लगा दिया, इसे रेंडर होने देते हैं एंड अपन अपना दूसरा काम करते हैं। सो गाइस ये तो सूख चुके हैं एंड जो ये वाले भी धोए थे ये अभी गीले हैं, इन्हें सूखने देते, ये वाले लेके चलते हैं। सो गाइस शूज़ धोने के बाद सबसे बड़ा टास्क है उनमें शू लेस डालना। एक्चुअली शू लेस डालना टास्क नहीं है, जैसे थे वैसे शू लेस डालना वो टास्क है। अभी एक में तो मैंने जैसे तैसे डाल दिया है, कुछ वीडियो वगैरह देख के फोटो वगैरह देख के डाला है, इसे भी डाल देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ऑल सेट। सो गाइस जरा अभी रूम का थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। एक्चुअली ये टेबल जब उधर थी ना तो वहाँ पे बैठ के चेयर नहीं आ पा रही थी, जो शोकेस है ना इसका कॉर्नर लगता था, तो अभी के लिए अपन ने ये टेबल इधर कर दिया, अब यहाँ पे चेयर भी आराम से लग जाएगी। और फिर अगर बेड उधर कॉर्नर में कर देते फिर ये शोकेस दिक्कत कर रही थी, तो मैंने सोचा शोकेस की जगह एक बेड ही घुसा देते, तो यहाँ पे एक बेड घुसा दिया अपन ने एंड अपन मेन बेड ये रहेगा, टेबल यहाँ पे सेट, यहाँ पे आराम से चेयर वेयर रख के पढ़ सकते हैं, उधर अपना कुछ ऐसे ही रखना हो, बेड भी डबल हो गया, अच्छा से भी लग रहा है, ये भी सेट हो चुका है। तो गए जरा अभी मेरा एग्जाम है कल को, तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद, लगभग 2 घंटे पढ़ता हूँ यार, 2 घंटे में तो हो जाएगा, अभी पढ़ते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पे चल रहा है अपना चौको चौको का कंपटीशन, कौन ज़्यादा खा सकता है, एक तरफ है ताज भाई, एक तरफ है अर्चित भाई, अर्चित भाई खा चुके हैं 2 और ताज भाई का ये है चौथा। मुझे ताज भाई जीतते हुए नजर आ रहा है, क्या ताज किसी ने रखा है, तीसरा, तीसरा है, चीटिंग किसने की है? और मुझे लग रहा है अर्चित भाई हार जाएगा, अर्चित भाई कम ऑन वन मोर यू कैन डू इट, छोड़ो अर्चित भाई हार चुके हैं ये। ताज भाई संदीप भाई आपको मिलता है ढक्कन, अर्चित भाई तुम पे करोगे। सो यार इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।